ओके जी, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप सब लोगों को नए ब्लॉग में खुशामदीद। वीडियो को इसलिए रोकना पड़ा कि इंट्रो तो डाला ही नहीं। लेट्स प्ले द इंट्रो फर्स्ट। कटर बॉक्सेस आए हैं डिलीवरी के, कुछ चीज़ें ऑर्डर की थी ऑनलाइन ज़ारा से। ज़ारा आपको अगर नहीं पता तो ज़ारा बहुत फेमस ब्रांड है और यहाँ पे ज़ारा की चीज़ें बहुत से लोग यहाँ पे पसंद करते हैं पहनना। तो क्या करते हैं हम लोग, जब भी सेल लगती है साल में एक दफ़ा, घर वालों के लिए हम लोग चीज़ें ले लेते हैं। कुछ भी हो सकते हैं, ट्रेनर्स, जॉगर्स, सैंडल्स, स्वेटर्स, बहुत सी चीज़ों की सेल लगती है, तो कुछ भी हम उठा लेते हैं जो हमें अच्छा नज़र आता है कि यार ये पाकिस्तान में घर वालों के लिए बेस्ट रहेगा। खोलते हैं बॉक्सेस को, देखते हैं कि इनमें क्या है, ज़्यादा टाइम नहीं वेस्ट करते। अब इसके मैंने ज़्यादा इतने ख़ाल से 5-6 आइटम ऑर्डर किए थे डिफरेंट टाइम पे, क्योंकि प्रॉब्लम ये है कि जब भी आप देखते हैं कि यार ये अच्छी चीज़ पड़ी है, साइज़ अवेलेबल है, अक्सर एक दो साइज़ ही रह गए होते हैं। तो अगर आप ज़्यादा फुर्ती ना दिखाएं तो वो कोई और ले लेता है। तो इसलिए जब भी सेल लगती है तो ज़रा थोड़ा एक्टिव होना पड़ता है कि जितना जल्दी हो सके बाई कर लो, वरना तो क्या मैसेज आता है कि जनाब आइटम इज़ सोल्ड आउट। तो इसलिए मैंने क्या किया कि, और ऑब्वियसली ये लॉकडाउन है तो नॉर्मली क्या करते हैं हम लोग, लेके और घर की बजाय हम लोग स्टोर में डिलीवर कर देते हैं, वहाँ पे हमें फ्री पड़ जाता है डिलीवरी। लेकिन लॉकडाउन है, बंद लॉकडाउन था, तो वो क्या किया उन्होंने, तो उन्होंने कहा घर घर से आप लोगों को, घर में आप लोगों को डिलीवर करेंगे, तो उसके हमें एक्स्ट्रा 2-4 पाउंड देने पड़ गए। चलो फैमिली के लिए 2-4 पाउंड फालतू देना कोई बात नहीं, मुसाफरी है, बैठी इसीलिए है कि फैमिली के लिए चीज़ें खरीदनी चाहिए। सबसे पहले जनाब देखते हैं इसमें क्या है। ये मेरे ख्याल से ये मैंने अपनी वालदे के लिए देखे यार, कि ये तो सैंडल्स अच्छे लग रहे थे पिक्चर में, तो अच्छे लग रहे थे, अभी फर्स्ट टाइम देख रहा हूँ वो, इसलिए कि ऑब्वियसली मेरी वालदा बहुत बूढ़ी है, एजेड है, तो उनके लिए मैंने कहा, क्योंकि फॉर्म इसमें थोड़ा सा लगा हुआ है तो उनको चलने में आसानी होगी, तो उनके लिए सैंडल्स तो बनते हैं। अब ये आपको लग रहे होंगे कि ये जेंट्स है, लेकिन ये जेंट्स नहीं है, ये लेडीज़, एजेड जो लेडीज़ होती है उनके लिए ये सैंडल्स हैं। आपको करीब से दिखा रहे हैं, ये पीछे इसके लिखा ज़ारा, और ये जनाब मुझे पड़े हैं, ये वैसे तो इसकी प्राइस देख लें 40 पाउंड है, 40 पाउंड, लेकिन मुझे पड़ा ये 10 पाउंड में, 9.99। चलो इसको साइड में करते हैं, देखते हैं और बॉक्सेस में क्या है। अच्छा इसमें क्या है जनाब, अगेन सैंडल्स, लेडीज सैंडल्स हैं, और ये भी मेरे ख्याल से हर जितने भी हैं ये सब 10 पाउंड की रेंज में, 10 पाउंड मतलब लेट्स से कि आप लोग कहने 2-2.5 हज़ार रुपए के मुझे पड़े। ये देख लें,
ये ज़रा अच्छा डिज़ाइन मुझे लगा, तो मैंने कहा चलो यार ये भी उठा लेते हैं। ये जनाब 26 पाउंड का, 26 का, लेकिन ये भी 10 पाउंड पे आया हुआ था। अच्छे सैंडल्स फैमिली के लिए वहाँ पे सैंडल्स ले लेने चाहिए, क्योंकि वहाँ पे भी मेरे ख्याल से सैंडल्स की यही प्राइस होगी। महंगाई तो बहुत होगी वहाँ पे, लेकिन कुछ चीज़ें जो अगर हम यहाँ पे सेल में ख़रीदते हैं जैसे इस तरह की, तो ये हमें मेरे ख्याल से, मेरी अपनी जो सोच है कि पाकिस्तान से भी कम प्राइस पे हमें मिल जाते हैं यहाँ पे, क्योंकि ये जरूर हो गए जनाब मेरे ख्याल से 2,000 रुपये हो गए, पाकिस्तान में भी 3-4 हज़ार का तो मेरा जितना ख्याल है लेडीज सैंडल मिलते ही होंगे। एनीवे चीज़ें अच्छी मिल जाती है, सिर्फ बंदे को थोड़ा चालाक होना पड़ता। देखते हैं इसमें क्या है। तीसरा बॉक्स है जनाब, मैं जल्दी जल्दी इसलिए खोल रहा हूँ कि आप लोग बोर भी जल्दी हो जाते हैं ना, ज़्यादा बातें करें तो लोग बोर हो जाते हैं, तो इसलिए जो चीज़ आप लोगों ने जिस चीज़ के लिए क्लिक किया वीडियो पे वही आपको दिखाते हैं। इसमें क्या है जनाब, अच्छा जी, ओह इसमें तो स्कूल का स्कूल बैग है जनाब, छोटा सा स्कूल बैग लगा होता, मैंने कहा व्हाई नॉट यार, एक स्कूल बैग अगर है तो में जिस तरह की पाकिस्तान में स्कूल की किताबें और कापियां होती हैं उसके लिहाज से तो ये छोटा है, लेकिन चलो छोटे बच्चों के स्कूल के लिए ये अच्छा रहेगा। कलरफुल बैग था, मैंने कहा चलो उठा लेते हैं। और साथ इसके ट्रेनर्स भी बच्चों के, और इसके देखें क्या लिखा हुआ, अच्छे ट्रेनर है ये भी जनाब मेरे ख्याल से 7 पाउंड के थे, विच मीन्स के 1500 रुपये हो गए, 1000-1500 में वहां पे भी मिल ही जाएगा ट्रेनर, अच्छा वाला ट्रेनर हो सकता है मिल जाए। लास्ट बॉक्स है, लास्ट बॉक्स खोलते हैं देखते हैं इसमें क्या है। शॉपिंग जरूरी है, वो इसलिए कि जब हम पाकिस्तान जाते हैं तो हमें लगेज जो है तो उसकी बहुत, मतलब 40 kg लगेज की हमें वो होती है परमिशन प्लेन से लेके जाने की, तो अब खाली बैग ले जाएंगे तो फायदा नहीं है। अच्छा ये देखें जनाब, और ये इसके ऊपर 1599 लिखा है, लेकिन ये भी मुझे आई थिंक 999 में पड़ा। आप उसका डिज़ाइन देखें और मजबूत, मतलब ये भी आई थिंक 2500-3000 तक हो गया, पाकिस्तान में भी आई थिंक ये होगा 5-6 हज़ार तक को मिल ही जाएगा। आई डोंट नो, क्योंकि मैं तो 1.5 साल पहले ही पाकिस्तान गया, तो होपफुली दिस ईयर जाऊंगा, 2021 है तो दिस ईयर मेरा प्लान है कि एंड में जाऊंगा, तो वहाँ पे भी बहुत सारी मैंने प्लान किया हुआ है कि वीडियोस बनाऊंगा, ब्लॉग्स बनाऊंगा। तो ये थी जनाब छोटी सी शॉपिंग, इंशाल्लाह आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। चैनल को तो आपको पता है कि क्या करना है, अगर वीडियो आपको लाइक पसंद आई है तो आप लोगों को पता है कि क्या करना है, 3 काम करने होते हैं, सब्सक्राइब करना होता है, कमेंट करना होता है और लाइक करना होता है। मिलते हैं अगले ब्लॉग में किसी और जगह पे किसी और शॉपिंग के साथ, अल्लाह हाफिज़।